हेलो इंजीनियर्स, जैसे कि आप यहाँ पे एक VFD देख रहे हो, ये एलन ब्रेडली का VFD है। इसका मॉडल है पावरफ्लेक्स 525। इसको हम अभी इथानेट से कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इथानेट कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और कुछ पैरामीटर्स सेट करने होते हैं इथानेट के लिए, जैसे स्टार्ट सोर्स और स्पीड रेफरेंस हम देंगे इथानेट वाला, और उसके साथ इथानेट मॉड्यूल के अगर यूज़ करना है तो हमें IP एड्रेस भी लेना होता है। तो वो सब हम सब यहाँ पे ऐड देखेंगे कि कैसे कैसे ऐड करना है। और फिर उसके साथ हम इसका जो प्रोग्रामिंग रहेगा, हम एलन ब्रेडली PLC से ही कंट्रोल करने वाले हैं, तो उस PLC का जो प्रोग्रामिंग रहेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला जो पैरामीटर है, जैसे अभी आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि ये 1 ब्लिंक कर रहा है, तो मैंने स्केप यहाँ पे प्रेस किया। स्केप प्रेस करने से ये बी पे ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ऊपर जाएंगे हम, हमें सी से शुरू करना था 121। यहाँ से हम जैसे यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन और कुछ मैसेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हम IP एड्रेस सेट करेंगे। IP एड्रेस सेट करने के लिए यहाँ से हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाते जाते 121 जो कि है कॉम राइट मोड, तो इसका जो वैल्यू रहेगा ये हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे रहता है, तो हम इसको 0 पे ही रखेंगे। फिर स्केप किए और ऊपर जाएंगे C122 जो कि है CMD स्टेट सिलेक्ट। तो इसमें एक रीसेट की ज़रूरत होता है, और इसका जो भी वैल्यू है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, तो हम इसको 0 पे ही रखेंगे, जो कि वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करता है। और फिर हम चाहेंगे C123 पे, जो कि RS485 पे अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस पे रहता है, तो इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू है 3 हम उसी को रखेंगे। तो 3 में एक नंबर आता है 9600, वो कम्युनिकेशन का दूसरा प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। अभी हम फिर से चले आते हैं C124। तो अभी जैसे आप देख रहे हो C124 है, तो ये C124 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फिर से RS485 को, तो इसका भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 100 हम वहीं पे रखेंगे, इसको हमें सेम चेंज नहीं करना है। फिर 125 पे जो आता है कॉम लो सेक्शन, कि अगर मान लो कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो क्या होगा कि स्टार्ट्स द ड्राइवर रिस्पॉन्स टू ए लॉस कमांड एक्सपेंस, ओके ना, तो ये रिपोर्ट करता है, तो इसका भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 उसी पे रखेंगे फॉल्ट इंडिकेट के लिए, ठीक है ना। और फिर हम चले आते हैं 126 पे, 126, तो जैसे कि अभी यहाँ पे 126 है, तो अभी लॉस टाइम, मतलब जैसे पिछला वाला था कि लॉस पे एक्शन जो फॉल्ट इंडिकेट करेगा, अभी इस पे कितनी टाइम के अंदर वो इंडिकेट करेगा वो हमें देना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो है 5 सेकेंड्स है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है 5 सेकेंड है, 5.0 मतलब डिफ़ॉल्ट में रहता है। मिनिमम यहाँ पे जो वैल्यू है 0.1 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक इसका दिया हुआ है, और ये रीड राइट पे दोनों पे काम कर रहा है ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। इसका इंडिकेट रखिएगा आप कि ये 0.1 से अप टू 60 सेकेंड तक ये जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड रहेगा, और इसको भी हम चेंज नहीं किया। अभी चले जाते हैं 127 पे, RS485 का फॉर्मेट वो भी है, तो फिर से 127 पे हम गए, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, जो कि RTU पे काम करने के लिए 0 पे दिया हुआ है। तो RTU N1, अगर मैनुअल आप देखोगे तो उसमें RTU N1 ये जो कमेंट अभी यहाँ पे आ रहा था वो सिलेक्ट रहेगा, और मेन प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से। इसके बाद वाला जो प्रोसेस 128 जो है यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अगर आपको ये वाला इथानेट से काम चलाना है तो 128 जो है इसको आपको इनेबल करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसका क्या वैल्यू 1 है, 1 मतलब ये पैरामीटर्स पे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 भी अगर होता, 2 अगर देंगे तो बूट पे चला जाता है, तो हम बूट पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मैनुअली IP एड्रेस इसको देंगे अभी, तो मैनुअली IP एड्रेस देने के लिए ये यहाँ पे 1 रहना चाहिए, मतलब ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इनेबल ये 1 है, 128। अभी नेक्स्ट शुरू होता है अपना IP एड्रेस 129 से, C129 यहाँ पे अपना IP एड्रेस शुरू में 192। अब अपने हिसाब से रेंज दे सकते हो, मैं क्लास सी का एक IP एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। C129 पे इथानेट IP एडाप्टर कॉन्फ़िगर 1 हो गया, ठीक है। 129, फिर 30 पे 168, उसके बाद 31 पे 0, और फिर 32 पे अपने दिया 175। तो इसका IP एड्रेस हो गया 192.168.0.175, ये अपना अभी VFD का IP एड्रेस हो गया, ओके। तो जैसे IP एड्रेस यूज़ करने के बाद सबनेट मास्क हमें देना होता है, तो अभी हम कहाँ पर है, 132 ना, 133 पे जब जाएंगे तो यहाँ से सबनेट मास्क स्टार्ट हो रहा है, जैसे 255, अगेन 134 में 255, क्योंकि सबनेट मास्क 255 ऐसे करके आता है, 2 फिट से अगेन 255, उसके बाद वाला जो है ये 0 रहेगा 136,
इसमें ज़ीरो। तो मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और साथ में गेटवे भी। तो अभी जो आएगा वो गेटवे का एड्रेस आएगा, वो स्टार्ट हो रहा है 137 से, क्योंकि अभी ये लास्ट वाला 36 है, देन 137 से गेटवे, गेटवे सेम होना है 192, उसके बाद 137, 38, 137, 38, 39 एंड 40, यहाँ तक आपका गेटवे का पूरा एड्रेस हो गया। तो यहाँ तक आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो ये हो गया इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट पे हम देखेंगे कि इसका कम्युनिकेशन कैसे करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आई बटन पे भी आ रहा है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करेंगे और स्टार्ट सोर्स एंड स्पीड रेफरेंस वाला जो सेक्शन है कि स्टार्ट अगर होना है तो कहाँ से स्टार्ट होना है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट सोर्स P046 पे 2 है, तो अभी हमें इसको करना होगा 5। 5 मतलब स्टार्ट जो होगा ये अपना जो इथरनेट कम्युनिकेशन है यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसको 5 देके एंटर किए, फिर स्किप किए, 47 पे जाएंगे हम, P047 पे एंटर करेंगे, इसमें 5 है, इसको अपन करेगा 15, मतलब ये स्पीड लेगा कहाँ से, ये जो अपने इथरनेट लगा हुआ है वहीं से स्पीड लेने वाला है। तो 15 हो गया स्टार्ट सोर्स स्पीड डिफरेंस, आईपी एड्रेस वगैरह सब हम डाल दिए हैं। अभी VFD का काम खत्म, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर देखो मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ ना, स्टार्ट बटन में प्रेस करता हूँ, ये स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टॉप भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट नहीं है तो स्टॉप कैसे होगा, और ये स्पीड है ये भी काम नहीं करेगा। तो इस ये वाला प्रोसेस यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।